So continuing our capital structure theories series, today we will be discussing traditional approach. So इस थ्योरी को ट्रेडिशनल अप्रोच डिस्कस करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप पहले हमारी जो वीडियो है रिलेटेड टू नेट इनकम अप्रोच और नेट ऑपरेटिंग इनकम वो देख लीजिए, क्योंकि उन दोनों थ्योरी की अमलकामेशन से ये बनती है. तो इसलिए बिफोर डिस्कसिंग दिस थ्योरी यू शुड बी अवेयर अबाउट दोज थ्योरीज. एंड सो कमिंग स्ट्रेट टू इंट्रोडक्शन ऑफ दिस थ्योरी, सो इस थ्योरी को हम इंटरमीडिएट अप्रोच भी कहते हैं. बिकॉज इंटरमीडिएट अप्रोच क्यों कहते हैं, बिकॉज इट इज़ ए कॉम्प्रोमाइज बिटवीन टू एक्सट्रीम. जो टू एक्सट्रीम थ्योरी थी हमारी, नेट इनकम अप्रोच और नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, ये दोनों का अमलकामेशन है, उन दोनों का मिक्सर है, इसीलिए इसे इंटरमीडिएट अप्रोच भी कहते हैं. अब वो कैसे है, ये NI अप्रोच जो हमारी फर्स्ट थ्योरी थी उससे ये मैच करता है, क्योंकि ये कहता है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल और टोटल वैल्यू ऑफ फर्म जो होती है दे आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर. जैसे ही कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन आप लेते हो, कुछ भी चेंज करते हो, डेट इक्विटी का मिक्स जो होता है, अगर जीरो डेट ले रहे हो और वहां पर 100% डेट ले रहे हो, दोनों से आपकी वैल्यू ऑफ फर्म जो होगी दैट विल बी डिफरेंट, दैट विल नॉट बी सेम. बट इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये क्या कहती है कि वैल्यू ऑफ ए फर्म विल नेसेसरी इंक्रीज फॉर ऑल डिग्रीज ऑफ लीवरेज. ऐसा नहीं है कि जितना ज्यादा आप डेट इंक्रीज करते जाओगे उतनी ज्यादा आपकी वैल्यू ऑफ फर्म इंक्रीज करती जाएगी, ये उससे कॉन्ट्राडिक्ट करता है जो कि NI का अप्रोच था कि यू कैन इंक्रीज डेट टू एनी लेवल. बट ये एनी लेवल को सपोर्ट नहीं करता. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी डेट जो होगा That contributes up to a level. ये इन दोनों का डिफरेंस आ गया. नेक्स्ट, ये नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच जो थ्योरी थी उससे इसलिए मैच कर गया क्योंकि उसने कहा था कि बियॉन्ड ए सर्टन लेवल डिग्री ऑफ लीवरेज द ओवरऑल कॉस्ट इंक्रीजिंग लीडिंग टू ए डिक्रीज इन द टोटल वैल्यू ऑफ फर्म. अब ये जो मैं आपको अप टू ए लेवल वाली बात कह रही हूँ वो हमने नेट ऑपरेटिंग इनकम में भी देखा था. उन्होंने कहा था कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीज कर जाती है जिसके कारण वैल्यू ऑफ फर्म डिक्लाइन कर जाती है अप टिल ए सर्टन लेवल. तो इस नेट ऑपरेटिंग इनकम से भी डिफर करता है क्योंकि उसमें क्या था, वो एग्ज्यूम करता था कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो आपकी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ रही है डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस यूज करके मेनली डेट और इक्विटी वो कॉन्स्टेंट रहती है, पर इस केस में ये कॉन्स्टेंट को नहीं करती. तो एक तरह से हमने एक चीज ले ली कि कैपिटल स्ट्रक्चर इंपैक्ट करता है और दूसरी क्या कह रही है कि एक सर्टन डिग्री ऑफ लीवरेज तक की ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो होती है वो डिक्लाइन करती है और वैल्यू ऑफ फर्म जो होती है वो इंक्रीज करती है, बट आफ्टर दैट लेवल ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीज कर जाती है और जिससे वैल्यू ऑफ फर्म डिक्लाइन करती है. अब इन्हीं दोनों को मिक्स बना के लोगों ने एक नई थ्योरी दे दी जिसका नाम पड़ा ट्रेडिशनल अप्रोच. अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग वैल्यू ऑफ फर्म कैन बी इनिशियली इंक्रीज्ड और कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैन बी डिक्रीज बाय यूजिंग मोर डेट. मीन जितना ज्यादा आप डेट यूज करोगे इनिशियली आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्लाइन करेगी. क्यों? क्योंकि डेट चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस है देन इक्विटी. और इस तरह से हम डेट का मिक्सचर, जैसे आपने पहले 10% किया, फिर 15 किया, 20, एक लेवल ऐसा आ जाएगा कि आप डेट इक्विटी का मिक्सचर चेंज कर करके आप एक ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर रीच कर जाओगे. और ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर हमने पहले भी डिस्कस किया था, इट इज ए लेवल वेयर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो होती है मिनिमम होती है और वैल्यू ऑफ फर्म जो होती है वो वैल्यू जो ऑफ फर्म जो होती है वो मैक्सिमम होती है. तो अगर आपने ये मीनिंग भी नहीं आपको क्लियर है तो प्लीज आप दोनों जो पुरानी हमारी वीडियोस है उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, काइंडली विजिट दैट. ऑप्टिमम स्ट्रक्चर आप रीच कर सकते हो बट बियॉन्ड ए पर्टिकुलर पॉइंट. मींस आप डेट बढ़ाते जा रहे हो, ऐसा नहीं होगा. डेट बढ़ाने से फाइनली एक पॉइंट आ जाएगा जहां पर आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगी, बिकॉज डेट इंक्रीज करने से फाइनेंशियल रिस्क जो है इक्विटी शेयर होल्डर्स का वो इंक्रीज हो जाता है. एंड इन कंपनसेशन फॉर दैट दे स्टार्ट डिमांडिंग मोर फ्रॉम द
फर्म, और इसीलिए मोर जो उनकी एक्सपेक्टेशन राइज कर रही है उससे कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है वो के ई जो है वो हमारी इंक्रीज करना स्टार्ट कर देती है. दस एडवांटेज ऑफ चीपर डेट, जो डेट हमें चीप था जिसकी एडवांटेज हमें मिल रही थी जिससे हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्लाइन कर गई थी, एक सर्टन पॉइंट पे आके क्या हो जाता है कैपिटल स्ट्रक्चर में ऑफसेट हो जाती है बाय, क्योंकि डेट अगर कम था लेकिन कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ना शुरू कर देगी जिससे आपकी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो कम नहीं होगी रादर बढ़ना शुरू कर देगी. तो डेट की एडवांटेज जो है आपको एक लेवल तक ही मिलती है. फिर क्या होगा, एक स्टेज ऐसी आ जाएगी व्हेन इंक्रीज कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैनॉट बी ऑफसेट. अब ऑफसेट भी नहीं हो पाएगी, मींस पहले क्या हो रहा था डेट एक लेवल के बाद क्या हो गया, अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी इतनी ज्यादा बढ़ गया कि आपको डेट की कोई एडवांटेज ही नहीं रही. अब इसको अगर हम ग्राफिकली देखें तो एक तरह से हमारे पास थ्री लेवल बन सकते हैं कि एक पॉइंट पे आपकी डिक्रीज कर रही है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जिसे हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कहते हैं, तो WACC एक लेवल तक डिक्लाइन करेगी. फिर क्योंकि वहां पर ऑफसेट हो रही है इक्विटी की जो इंक्रीज कॉस्ट है वो डेट ऑफसेट कर रहा है तो इसलिए वो चेंज नहीं होगी, बट आफ्टर दैट वो राइज करना शुरू कर देगी. तो एक तरह से हमारे पास थ्री फेज बन गए. फेज वन में ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्लाइन करेगी, उसके बाद वो कॉन्स्टेंट रहेगी और आफ्टर दैट इट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग. अगर मैं ग्राफ में इसको ड्रॉ करूं, इसका ड्रामेटिकली डायग्राम ड्रॉ करें, अगर हम डायग्राम में देखें तो डायग्राम में हमें तीन फेज, जो मैं आपको बोल रही थी कि इस थ्योरी के थ्री फेज है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल फर्स्ट फेज में डिक्लाइन कर रहा है जो हमारा केओ ओवर, फिर वो कांस्टेंट रह रहा है, फिर थर्ड फेज में वो इंक्रीज कर रहा है. ये क्यों हो रहा है, क्योंकि फर्स्ट आप डेट और इक्विटी का जो मिक्सर यूज कर रहे थे एक लेवल तक, आपकी जो कॉस्ट ऑफ डेट है वो लेस देन है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, इसलिए वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्लाइन कर रही है. बट उसके बाद एक लेवल के बाद आपके पास ऐसा फेज आ गया कि जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्रीज करना स्टार्ट कर दी, इसलिए आपका डेट जो है उसको ऑफसेट कर पा रहा है. लेकिन एक लेवल के बाद कॉस्ट ऑफ इक्विटी इतना ज्यादा बढ़ गया है कि डेट और डेट भी बाद में बढ़ना स्टार्ट कर पाएगा, इसलिए वो एडवांटेज आपको नहीं मिलेगी, तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीज कर जाएगी. तो यहां से हमें एक तरह से पता चल गया कि ये जो है ये लेवल के बीच में ही हमारा कहीं ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर है. अब ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर वो आ जाएगा जहां पर आपकी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल केओ जो है वो मिनिमम होगी, वहीं पर आपका कहीं ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर बनेगा और इसी लेवल पे आपकी वैल्यू ऑफ फर्म जो होगी वो मैक्सिमम होगी. बट एक और वेरिएंट है इस थ्योरी का, वो कहता है कि देर इज नो सिंगल कैपिटल स्ट्रक्चर बट देर इज अ रेंज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर इन विच कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज मिनिमम एंड द वैल्यू ऑफ फर्म इज मैक्सिमम. हम एक पॉइंट की नहीं बात करेंगे, ये आपको ऐसे कुछ रेंज मिल जाएगी जो मैंने आपको प्रीवियस डायग्राम में दिखाई थी. इस फेज के बीच में जहां पर भी आपकी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्योंकि कॉन्स्टेंट रह रही है, तो ये पूरे फेज में आपके जो भी कैपिटल स्ट्रक्चर के आप मिक्सचर यूज करोगे वो आपकी वैल्यू ऑफ फर्म को बढ़ा देंगे. इसलिए रादर देन वन ऑप्टिमम स्ट्रक्चर, कुछ लोग कहते हैं कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एन नंबर ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर आते हैं, देर इज नो सिंगल कैपिटल स्ट्रक्चर. ये पूरी जो रेंज होगी जहां पर वो कॉन्स्टेंट रह रही है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वो सारे ही आपके ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर होंगे. सो नाउ इस थ्योरी की अगर मैं बात करूं अजम्पशंस की और लिमिटेशंस की, तो इस थ्योरी की अजम्पशंस और लिमिटेशंस दे आर सेम एज एनआई अप्रोच और एनओआई अप्रोच, जिसमें हमने पहले ही डिस्कस किया था कि अजम्पशन में दो ही सोर्सेज ऑफ फाइनेंस होते हैं डेट और इक्विटी, कोई कॉर्पोरेट टैक्स नहीं होता. देन यहाँ पर हम लोग एक लेवल तक अजम्पशन आ जाएगी कि एक लेवल तक कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है वो कॉन्स्टेंट रहती है लेकिन उसके बाद वो इंक्रीज करना स्टार्ट कर देती है. सिमिलरली कॉस्ट ऑफ डेट भी एक लेवल तक कॉन्स्टेंट रह रही है फिर वो बढ़ती जा रही है. तो और जितनी भी अजम्पशन है आप उसके लिए एनआई और नेट ऑपरेटिंग इनकम की अजम्पशंस वाली
जो वीडियो है वो देख लीजिए, अजम्पशंस आर सेम, वहां पर हमने डिटेल में इनको डिस्कस किया था। और रही बात लिमिटेशन की, जो आपकी अजम्पशन है दे आर द लिमिटेशन, जैसे कि दो नहीं होते, डेट इक्विटी अकेला नहीं होता, देर आर अदर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस विच ऑर्गेनाइजेशन कैन यूज इन रियल लाइफ। और जो हमारी एक और अजम्पशन थी कि कॉर्पोरेट टैक्स एप्लीकेबल नहीं होते, बट इन रियल लाइफ ऑर्गेनाइजेशन दे हैव टू पे द टैक्स, इसलिए वो लिमिटेशन आ जाएगी। तो बेटर है वो वीडियोस देख ली। सो नाउ स्ट्रेट अवे कमिंग टू द एग्जांपल्स, जिससे हमें ये और ज्यादा क्लियर हो जाए। तो हमें एक कंपनी की वैल्यू ऑफ फर्म निकालनी है, वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर निकालनी है और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी है, जिसमें कि नेट ऑपरेटिंग इनकम 2 लाख है, जो कि कॉन्स्टेंट रहेगी हर लेवल पे, बिकॉज यही उसकी अजम्पशन है, टोटल उनकी इन्वेस्टमेंट इतनी है। इक्विटी का रेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है, अगर डेट नहीं यूज करते तो 10% है, जैसे ही 4 लाख तक डेट यूज करोगे 11% हो गया, 6 लाख तक यूज करोगे 13%, और 4 लाख तक डिबेंचर्स 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेंगे। अगर आप 6 लाख तक रेज करते हो तो 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, क्योंकि एक लेवल तक डेट तक की कॉस्ट जो है कॉन्स्टेंट रहती है, आफ्टर दैट स्टार्ट इंक्रीजिंग, जो कि हमने थ्योरी में भी पढ़ा है। तो उसी के रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन गिवन है, यहीं से आपको वैल्यू ऑफ फर्म निकालनी है। सो कमिंग टू द फर्स्ट थिंग, जो हमें कैलकुलेट फॉर्मूला भी सेम है जो हमने पहले डिस्कस किया, अब उसी को अप्लाई करें। तो नेट ऑपरेटिंग इनकम 2 लाख आगे तीनों के केस में। अब इसमें से हमें क्या कैलकुलेट करना होता है, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, वो कैलकुलेट करने के लिए हमें इंटरेस्ट लेस करना पड़ता है। तो फर्स्ट केस जो हमारा 0 डेट था, उसमें इंटरेस्ट 0 आ गया क्योंकि डेट ही नहीं है। सेकंड केस में 4 लाख का 5% कैलकुलेट करोगे, 20,000 वो आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। थर्ड केस में 6 लाख का 6% जो कि 36,000 आएगा, वो इंटरेस्ट आ जाएगा। अब नेट ऑपरेटिंग इनकम में से ये इंटरेस्ट लेस कर दोगे, दैट विल बी अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो यहाँ पर 2 लाख आ गई, यहाँ पर 1,80,000, यहाँ पर आ गई 1,64,000। अब हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमें गिवन है तीनों सिचुएशन में 10% है, 4 लाख तक 11% है, अगर आप 6 लाख तक डिबेंचर रेज करते हो तो वो 13% हो जाएगी। अब और मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स हमारे पास आ जाएगी। अब इन दोनों को आप अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर को कॉस्ट ऑफ इक्विटी से डिवाइड कर दोगे, तो इन दोनों को जो आप डिवाइड कर दोगे वो हमारे पास मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स आ जाएगी और वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स आ जाएगी। तो यहाँ पर 2 लाख डिवाइडेड बाय 10%, तो डिवाइडेड बाय 10 × 100 वो आ जाएगा 20 लाख, यहाँ पर 16 लाख कुछ आ जाएगी और यहाँ पर 12 लाख कुछ आ जाएंगे। अब वैल्यू ऑफ डेट इस केस में 0 थी, तो इसीलिए वैल्यू ऑफ फर्म जो डेट और इक्विटी का मिक्सचर बनती है वो 20 लाख ही रहेगी। इस केस में 1,80,000 जो है उसको 11% से डिवाइड कर दोगे तो वो आ जाएगी 16,36,363 रुपीज़। ऐसे ही थर्ड केस में इन दोनों को डिवाइड करोगे तो वो 12,61,538 रुपीज़ आ जाएगी। डेट 4 लाख है फर्स्ट इस केस में और 6 लाख है थर्ड केस में, तो इन दोनों को आप ऐड कर दोगे वो हमारे पास वैल्यू ऑफ फर्म आ जाएगी। और लास्ट जो हमारी होती है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वो आ जाती है अर्निंग्स डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ फर्म। तो फर्स्ट केस में हमारी अर्निंग्स, दैट इज दिस अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस हम लेते हैं, तो 2 लाख डिवाइडेड अर्निंग जो यहाँ पर आती है ईबीट होती है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। तो यहाँ पर 2 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख इंटू 100 10% आ गई, फिर 2 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख ये हमारी आ जाएगी 9.8, फिर उसके बाद। तो यहाँ पर क्लियरली विजिबल है कि अगर डेट नहीं लेते 10% थी, जैसे ही आपने डेट रेज किया क्लियरली विजिबल है कि इनिशियली हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ओ 10% थी, जैसे ही आपने डेट रेज किया तो 9.8 हो गई डिक्लाइन करके। बट अगर आप एक्सेसिव डेट यूज करना स्टार्ट कर देते हो तो के ओ जो है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो इंक्रीज कर जाती है। होप ये आपको थ्योरी क्लियर हो, और अगर आपको पूछा जाता है 3 फेजेस ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच तो वो आप एक्सप्लेन कर पाओ कि फर्स्ट फेज ये होता है, सेकंड फेज में फर्स्ट केस में डिक्लाइन करेगी, सेकंड केस में कॉन्स्टेंट रहेगी, थर्ड केस में वो इंक्रीज कर जाएगी, आप क्लियरली एक्सप्लेन कर पाओ। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रेडिशनल अप्रोच किन दो थ्योरीज का अमलगमेशन है, वो नेट इनकम और नेट ऑपरेटिंग इनकम का अमलगमेशन है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टू लाइक अवर लाइक शेयर अवर वीडियोज, और ऐसे ही हमारे साथ चैनल के साथ जुड़े रहिए टू वॉच मोर वीडियोज टू लर्न मोर। थैंक यू वेरी मच।